हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग नए घर में आ चुके हैं। आके लगभग 3-4 दिन हो गया, क्योंकि काम इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं इसके लिए। अभी जो पिछले वीडियो में बोली थी मैं नए घर पे आए हैं घर के, तो चलिए सारा डिटेल्स आपको घर बता देती हूँ कैसा है। हाँ, अभी ये तीसरा घर है। तो बड़े पहले घर पर बड़ी बहू, सेकेंड घर पर छोटी बहू, और यहाँ पर उसी छोटी बहू आने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर और आनो है मेरे साथ में, और मियाँ सोए हैं। और चलिए डिटेल से सारा पूरा घर बता दीजिए आपको कैसा है हमारा घर, जो तीसरा नया घर है। तो मम्मी हमारे लास्ट के लिए बना रही है। क्या बना रही हो? परोठा, आलू परोठा। नाश्ता हमारा रेडी हो गया, पराठा और चाय स्पेशल वाली, और आनो रेडी है तैयार है खाने के लिए। आनो को नए घर पे मच्छर काट काट के बुरा हाल कर दिया। चलो बिस्मिल्लाह बोल के नाश्ता करते हैं। आ जाइए, स्वागत है आपको हमारे नए घर में। ये है हॉल, तो आनो सब पूरा डिटेल से आपको बता देगी। छोटा सा है, और सीधे आएंगे तो ये किचन है। और एक बेडरूम है, और सामने सामने और एक बेडरूम। ये हमारा बेडरूम है। सामने वो वहाँ पर बिल्डिंग के पीछे हाजी मलंग है, वो हाजी मलंग का डोंगर है। अभी मुंबई में 6 जून हो चुकी, अभी तक भी बारिश नहीं है। पता नहीं बारिश कब आने वाली, गर्मी गर्मी हो रही है अभी। रेल भी देखने को मिल जाती है, ट्रेन यहाँ से गोवा जाती है, पनवेल सारा यहाँ से ही होता है। चलो अभी दोपहर का खाना बन चुका है, साहिल को भूख लगी। अभी अयूब भी आने वाला है, तो अभी भी दिन में 2 बार आते जाते रहता है। यूसुफ भी आते जाते रहता है यहाँ पर, तो टेंशन नहीं मुझे। बच्चे तो दिन में 2-3 बार आते जाते रहते हैं, बाकी ये 2 छोटे चुई मुई मेरे साथ में है। चलो आगे और बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, वो भी मैं बता दूंगी। साहिल का एंगेजमेंट कहाँ गया, गायब हो गया। तो सारे मेरे भाई बहन लोग सब आने यहाँ पर आने वाले। चलो खाना डालती हूँ मैं साहिल को। अभी जस्ट गरम चावल अभी बनाई मैं, गर्मी के टाइम में गरम गरम चावल खाना बहुत। दोनों के लिए पाक बना रहे हैं अभी। बस शुआ चाचा मुझे दूध में थका शुरा मम्मी। तो अभी अयूब आ गए, तो वहाँ से रोटी बना कर लेके आई नीलू पर, रोटी बैगन की सब्जी सारा। तो खाने दे रहे हो वहाँ पर, वो एक रूम वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पर खाने सब मिलके खाना खाएंगे।
हाय रवि ममले। साहिल खाना खा रहा है, उधर डोल रहा था अल्लाह कर रहा सब लगे क्या ना अल्लाह अल्लाह ममले मेरे बच्चों ये छोना मामा कई चाचनी तू कई चाचनी मामा मेरा छोटा पापा कहाँ नहीं दीदी कथी मिट्टा चला मामर बच्चा अल्लाह 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 कर मेरा बच्चा है अम्मा अल्लाह को लियो मामा जो आज छोटा मामा तो यहाँ पर क्या कर रही है मम्मी ने वहाँ के साथ गुड़ की चाय दादा को हम लोग बना रहे हैं गुड्डू की चाय गली बन रही हमारी और ये लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ पर ममले टीटू मामा मुझे क्या मैं तो आसमान देखने जा रहा हूँ चलो अभी बनने तक टाइम लगता है अब अयूब सर अयूब नीलोफर चले गए फिर उसके बाद में अब यूसुफ रजिया अरहान आ रहे हैं तो मुझे किसकी कमी महसूस होती नहीं बाकी छोटे बच्चे मेरे साथ हैं बड़े बच्चे तो दिन में एक दो बार आते जाते रहते हैं क्या बड़े बच्चे उल्टा आते जाते रहते हैं बड़े बच्चे आते जाते रहते हैं बोलो मैं छोटे बच्चे मेरे पास है बड़े बच्चे अरहान नहीं नहीं वो आते जाते रहते हैं और अरहान भी आ रहा है अरहान की स्कूल चालू हुई है अभी तो इसके लिए वो वहाँ पर रहते हैं अभी स्कूल कल से हाँ कल से यहाँ से एक दिन उसको भेजना है फिर बाकी दो दिन रहेगी रजिया क्योंकि कपड़े बहुत सारे जमा हो गए तो बोल के गई थी अम्मी कपड़े धोना नहीं मैं आकर धोऊंगी करके इसके लिए सारे कपड़े जमा कर ऐसे रखी नीलोफर भी आई थी दोपहर में खाना गिना खाई बर्तन सारे धोकर वो भी चले गई नीलोफर तो दोनों बहू बहुत अच्छे मेरे कुछ ना कुछ काम करते रहते घर पर आकर तो मुझे वहाँ पर भी आराम यहाँ पर भी आराम और आनू सुबह सुबह पूरा झाड़ू घर का झाड़ू करती और पूरा पोछा करती तो अच्छा है सब लोग मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं बूढ़ी हो गई है ना देखिए कुछ नहीं मेरी माँ बिल्कुल जवान है बस अब हम कुछ दिनों बाद से अपना रूटीन फॉलो करेंगे हम जिम जाएंगे वॉकिंग करेंगे रनिंग करेंगे और हेल्दी खाएंगे बस हाँ अभी बहुत क्योंकि लिप बंद ख़राब है यहाँ पर इसके लिए हाँ दिन में एक ही बार नीचे उतरते हैं अगर चालू हो तो मस्त यहाँ पर वॉकिंग करने का बहुत ही अच्छी जगह है तो अच्छे से वॉकिंग वहाँ से यहाँ तक आते थे हम लोग वॉकिंग करने के लिए यहीं पर आके वॉकिंग नहीं जा रहे तो ज़रूर इंशाल्लाह अभी वो लिप बन रही है तो एक दो घंटे बन जाएगी तो फिर हमारा वॉकिंग चालू रहेगा बहुत अच्छा प्लेस थोड़ा बहुत तो बताई हूँ आपको और थोड़ा बता देती हूँ मेरा बच्चा वो देख ठीक बच्चे लपड़ लगे से आता क्या बराबर आराम की छुट्टी अब दो दिन के लिए ये देखो बच्चा आराम तो दादी को याद करा था अभी कई को भेजी दादी को टीवी ले जाने का मजा आया क्या अच्छा चुप घर से टीवी लाया मतलब थोड़े दिन के जब तक हमारे पास टीवी नहीं आती तो यहाँ पर यीशु के घर की है नहीं 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 तो आराम की दुकान लाए यहाँ पर पूरे नाम लिख रहे हैं सब पूरा और यहाँ पे मेरा ब्लॉग लिख रहा तो यहाँ
यहाँ पर भाभी बना रही है अभी तो उसको बहुत टेस्टी बनने वाला है शिमला मिर्च और अम्मी मतलब की मटन यहाँ पर दाल गरम हो रही है। खुद फोन कितना जोर यहाँ पर ये फोन खुद इतना जोर का है जब भी मैं रिकॉर्ड करते हुए अगर फोन थोड़ा भी हिलाऊं तो ये मुझे इतना चलाती कि ये क्या 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 किया है तुमने इतना क्यों हिलाया है पेशेंट ही करने का अभी देखो तो यहाँ पर देखो खाना बन रहा है अभी शाम हो चुकी है दरगाह है हाजी मलंग दरगाह ऊपर पहाड़ पर तो देखते देखते खाना बनाने का मजा ही कुछ और है और बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी मेरी हाजी मलंग सामने दिखते दिखते खाना बनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ तो जो भी है दुआ करते करते मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ जो भी मुश्किल आए दूर चली जाए सामने ही दिखता है हाजी मलंग का पहाड़ और हाजी मलंग बाबा ऊपर है पहाड़ पर बाबा इंशाल्लाह देखेंगे बारिश चलेंगे तो जाना अच्छा लगता है बारिश के टाइम बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाना एकदम ठंडे मौसम में गर्मी के टाइम में जाएंगे पहाड़ चढ़ते हैं दम ये होता है और अभी वो लिपि चालू होने वाली है पता नहीं जुलाई अगस्त तक लिपि चालू हो जाएगी ऊपर लेकिन लिप चालू होती जो चढ़ने का मज़ा है वो लिप के अंदर मज़ा नहीं चढ़ के जाने का ए मज़ा हाँ बाबा के अगर पहाड़ पर चढ़ के ही जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है एकदम दिल को सुकून लगता है। हाँ ज़्यादातर बुजुर्ग लोग के लिए बहुत काफ़ी अच्छा है लिप जो अभी बन रही है चलो देखें कभी चालू होगी अभी बारिश तो चालू नहीं है यहाँ पर वहीं तो ज़रूर जाऊँगी मैं चलो खाना खाकर आया नीचे अभी आके एक हफ्ता होने को आया है यहाँ पर तो आज बाहर निकले अभी लिप भी चालू हुई जस्ट अभी चालू हुई लिप तो सब देखिए कहाँ गए नो यहाँ साहिल यहाँ पर है और अच्छा यहाँ पर तो हवा भी थोड़ी सी हवा आ रही है अच्छे से तो घूम रहे हैं यहाँ पर हमारा घर वहाँ पर है ये बच्चा देखो परेशान हाँ देखो ये वॉकिंग करके आगे भी बैठे हैं जस्ट ये अमिताभ बच्चन हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं मोबाइल रखो मोबाइल रखो हाँ कर साहिल साहिल अमिताभ बच्चन से क्या कर रहे हैं तू कर रहे तू कर पापा कैसे कर रहा कैसे कर रहा बता अमिताभ बच्चन कैसे बाहर आता भीख मांगता हाँ तो क्या कर रहा अभी बहुत मजा आ रहा है एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही ओए हाँ दिखा अभी हम नए घर में आए हैं और हमारी खिड़की भी वहाँ है और रहन खाई वगैरह है यहाँ भी तो है वाओ मेरे माँ बाप यहाँ पर रोज रोमांस कर रही है कीड़ा भी आ गया साथ में ये वो बला है तो मुझे हटाओ यहाँ से मेरे माँ बाप का रोमांस चालू था ये कबाब में हंडी कर रहा तो आज का दिन कुछ ऐसा करके तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब थी मैं भी बाहर गई थी हॉस्पिटल जाके आ गई अभी शाम हो चुके रजिया और यूसुफ बाहर गए थोड़े बहुत एक घर के लिए सामान लाने के लिए थोड़े बहुत वो घर से भी लेके आई थी तो और थोड़ा भी इस महीना एंगेजमेंट है ना तो इसके लिए मैं थोड़े बहुत सामान मंगा रही हूँ अभी दो दो घर में सामान है बहुत है तो इसके लिए फिर भी मैं मिली थोड़ा यहाँ और थोड़े मंगाती हूँ तो बाजार गए और थोड़े से प्लेट चम्मच वो सब लाने के लिए तो लाने गए दोनों और अयूब अभी आ रहा है वो भी कल भी आया था आज भी आ रहा है तो बच्चे मेरे पास आते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है थोड़ा टेंशन नहीं होता बच्चे आते रहेंगे तो नहीं आएंगे तो ज़्यादा टेंशन होता है चलो मैं जब तक चना यहाँ पर उबाल रही हूँ पता नहीं सर बहुत दर्द हो रहा मेरा इतना सर पट रहा तो अयूब कोई बोली मैं उसी पास गोली अच्छी सर दर्द की और लेके आने के लिए बोली हूँ तो थोड़ी देर पी लेती हूँ सर दर्द चालू हो जाएगा तो चालू हो जाता चलो इंतज़ार करते हैं बच्चे आने का और ये नए घर पे कपड़े अभी स्टैंड मंगाई हूँ मैं ये देखो रजिया आई थी आज पूरे मतलब कपड़े पूरे रजिया धो के डाली वॉशिंग मशीन में कपड़े सब यहाँ पर सूख रहे हैं स्टैंड मंगाई हूँ आ जाएगा स्टैंड और ये यहाँ पर सोए हैं और बच्चा चिप्स खा रहा है तो यहाँ पर भी सब कपड़े सूख रहे हैं तो साहिल यहाँ पर है और यहाँ भी कपड़े सूख रहे हैं आवाज़ सुबह साहिल जरा तो यहाँ भी कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पर डाल सकती हूँ मैं ग्रिल में यहाँ पर रस्सी बंध कर डाल सकती हूँ लेकिन अभी कितने दिन तक डालूँगी फिर बारिश शुरू हो जाएगी तो वो कपड़े भी नहीं डाल पाऊँगी और ये देखिए बहुत गंदा भी है तो कपड़े गंदे हो जाएंगे इसके लिए स्टैंड मंगाई में आ जाएगा कपड़े जब तक ऐसे ही फैला कर सूख डालूँगी
बालक छुपा छुपी खेल रहे हैं ये लोग, बहुत बड़े घर में पट्टी बांध के खेल रहे हैं। मुंबई में बारिश चालू है, कहीं कहीं जगह पे बारिश आ रही है, लोग खेलने दो। कहीं कहीं जगह में अभी यहीं से ऐरोली एक 20 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। तो बारिश नहीं, पता नहीं बारिश का क्या हाल हो गया है, बारिश नहीं है। चलो गाइस, हमारा घर का व्लॉग कैसा लगा? छोटा सा, मोटा सा, बड़ा सा घर का व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करें। लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल का, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब, पुराना है तो लाइक ज़रूर करें। और चालू रहेगा अरहान, और आज ही दिन रहेगा, कल चला जाएगा, परसों इसकी स्कूल चालू है। चलो गाइस टेक केयर, बाय। आप भी अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहें, खुश रहें, एंजॉय करें। चलिए टेक केयर। ट्रेन तो 24 घंटा यहाँ पर घूमते थे, पाँ 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 आवाज आ रही है। मेरी बारी है तो मैं उनसे दम से पाँ। ए पापा आवाज ना करो मामा।